जो काम ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में किया वही काम इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पर्ल में किया। फर्क फॉर्मेट का था। इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की निर्णायक बढ़त हासिल करने में सफल हो गई है। इंग्लैंड की साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में यह लगातार 5वीं जीत है। पहले मैच में इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत हासिल की थी। इंग्लैंड ने दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 4 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट पर 146 रन बनाए। जवाब में आखिरी ओवर में इंग्लैंड ने 6 विकेट गंवाकर जीत हासिल की। साउथ अफ्रीका टीम की ओर से क्विंटन डी क्वाक ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए, जबकि जॉर्ज लिंडे ने 20 गेंद पर 29 रन की पारी खेली। बेहतर शुरुआत मिलने के बाद भी इंग्लैंड की किसी गेंदबाजी के आगे साउथ अफ्रीका टीम बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड के लिए दाविद मलान ने शानदार हाफ सेंचुरी बनाई। मुश्किल में दिख रही इंग्लिश टीम को मलान की पारी ने संभाला और जीत के करीब पहुंचाया। आखिरी ओवर में टीम की जीत के लिए 3 रन की जरूरत थी, जिससे 5वीं गेंद पर क्रिस जॉर्डन ने हासिल करके इंग्लैंड को मैच और सीरीज जिता दी। सीरीज का आखिरी मैच 1 दिसंबर को केप टाउन में खेला जाना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल इंडियन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।